सो हेलो आई गाइस, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम वीडियो इफेक्ट को बनाते हैं और किस तरह से हम काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करके एक अच्छा खासा वीडियो इफेक्ट अपने वीडियो में डाल सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम वीडियो इफेक्ट को इसमें किस तरह से बनाते हैं। तो गाइज हमें करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करके सबसे पहले हम उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जिसमें हम अपने वीडियो इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ जिसकी मुझे वीडियो इफेक्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं दो या तीन वीडियो को सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ इफेक्ट को ऐड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले अपने हिसाब से उसे छोटा कर लेना है और वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। इम्पोर्ट करने के बाद आपको क्या है कि आप लोग को प्लस वाला जो आप लोगों को ये आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले स्टोर में जा करके कुछ वीडियो इफेक्ट को, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर चलिए मैं ये न्यू पेज को इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं ये विनर्स वाले स्पेलेस को भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, हॉरर स्टोरी को भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इस टाइप के आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके इस एनिमेशन को आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पेज को हम डाउनअप करते हैं उस तरह से ये करके आ रहा है, और उसके बाद से अगर आप चाहें तो इसमें कोई दूसरा एनिमेशन इफेक्ट्स भी इसमें आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा वीडियो इफेक्ट है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम सेकंड वाले में इसमें ऐड करते हैं। तो इस पर भी आपको क्या करना है कि प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कोई भी अपने मनपसंद का जो आप इफेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ट्रांजिशन आपको इफेक्ट उस स्टोर में जा करके मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिसकी वजह से आपके वीडियो में बहुत ही अच्छा और क्रिएटिविटी लुक देखने को मिलता है, ओके। तो इसे एक काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ओके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए अब इसे हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट जो हमने अभी ऐड किया था वो किस तरह से, मतलब कि इफेक्ट इसमें ऐड हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।